पीरियोडिक टेबल के पार्ट टू के अंदर अब हमारा डिस्कशन मूव कर रहा है उसी मॉड्यूल के इलेक्ट्रॉनिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में, इलेक्ट्रॉनिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो हम क्या करें, ऑन द बिहाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, अगर हमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन पता चल रहा है, ऑन द बिहाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, ये जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स में। इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी डोनेट करेगा, कौन जल्दी एक्सेप्ट करेगा, कौन मेटेलिक रोल करेगा, कौन नॉन मेटेलिक मेटेलोइड रोल करेगा, ऑन द बिहाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन हमने चार ग्रुप्स बनाए। और वो आपको पता ही है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड फाइनली डी ब्लॉक। ये पी ब्लॉक है आपके पास, देन डी ब्लॉक है आपके पास एंड एफ ब्लॉक, एसपीडीएफ एसपीडीएफ एसपीडीएफ। तो इस एसपीडीएफ के बाद इनमें से कुछ अच्छी अच्छी बातें हम निकालकर आपके सामने रखेंगे। फिलहाल हम जानते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट आप में आपको क्या मिल रहा है। द एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल इन विच, द एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, द एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एस ऑर्बिटल, जहां लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर करे। एनएस वन एनएस टू मैंने आपको बताई था, ठीक है जी, आर कॉल्ड द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट अब मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता ही है एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन भर सकते हो विद अपोजिट्स पे। तो जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपके पास एनएस वन एनएस टू हो ही गया, जहां एन की वैल्यू एक से लेकर सात तक आप चला सकते हो, वन टू सेवन, ठीक है जी। फर्स्ट ए ग्रुप को हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं। वैसे एल्कली जब एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे जो एल्कली एल्क्विस है उसका मतलब होता है प्लांट ऐश, उसका मतलब प्लांट ऐश। और जो सेकंड है, ठीक है जी, उनको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, बिकॉज देयर ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एल्कली एंड दीज आर फाउंड इन सोइल और द अर्थ क्रस्ट। ये अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं और सोइल में मिलते हैं, दैट्स व्हाई इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं हम लोग, एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, ठीक है जी। दूसरी बात, फ्रेंशियम रेडियम, दूसरी बात जो फ्रेंशियम एंड रेडियम है ये रेडियो एक्टिव है। मैंने आपको बताया था फ्रेंशियम की जो आपके पास हाफ लाइफ है, मतलब कितनी देर में ये हाफ हो जाएगा, 21 मिनट्स में ये आधा हो जाता है, इतना ज्यादा इसका हाफ लाइफ टाइम कम है, रिएक्टिव है, ज्यादा का मतलब ज्यादा रिएक्टिव है, हाफ लाइफ कम है। रेडियम का जो टी हाफ है वो 1620 ईयर्स है, 1620 साल के अंदर ये भाई साहब आधे हो जाएंगे। कुल मिलाकर अगर फ्रेंशियम रेडियम को कंपेयर करवाएं तो आपका फ्रेंशियम अनस्टेबल हुआ और रेडियम स्टेबल हुआ 1620 ईयर के बाद, और उसमें हाइड्रोजन हीलियम गैसियस एलिमेंट्स है। तो पीरियोडिक टेबल में जाकर भी आप इस चीजों को देख सकते हो, ये मेरा फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप है, ठीक है जी। इसके अंदर हाइड्रोजन हुआ, लिथियम बेरिलियम हुआ, सोडियम मैग्नीशियम हुआ, पोटेशियम कैल्शियम हुआ, रुबिडियम स्ट्रोंशियम हुआ, सीजियम बेरियम हुआ, फ्रेंशियम रेडियम हुआ, ये दोनों के दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की कैटेगरी में, ठीक है जी। तो कुल मिलाकर ली ना की रब से फरियाद, या लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, ओके। एंड देन आफ्टर आपके पास है बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम बेटा मांगे कार सर पकड़ बाप रो। लेकिन ये जो कोर्स है बनाने की नीड मुझे कहीं लगती ही नहीं है, बस आप सीधे सीधे एलिमेंट्स को देखें, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंशियम बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम, ठीक है जी। तो इस तरीके से फर्स्ट और सेकेंड डे आपको याद हो जाएंगे। फर्स्ट और सेकेंड डे के अंदर आपको एल्कलाइन मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स रिस्पेक्टिवली मिलते हैं। ये भी आपने देख ही लिया एस ब्लॉक एलिमेंट्स को किस तरीके से हमने डिफाइन किया है। चलिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ बढ़े। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको बताया गया कि ये हमारे पास सिक्स ग्रुप है,
क्योंकि पी का मैक्सिमम एफिशिएंसी 6 इलेक्ट्रॉन्स की है, और 6 इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम एफिशिएंसी होने की वजह से P1 से लेकर P6 तक 6 ग्रुप्स हैं, ठीक है जी। और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन NS2, NP1, NP2, NP6 तक चलेगा। द एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन गेट्स फिल्ड अप इन द पी ऑर्बिटल आर कॉल्ड द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। द जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स इज NS2 NP1 to 6 है, और जो एन की वैल्यू है, जो एन की वैल्यू है वो 2 से 6 तक चलती है। पी सबशेल्स कैन एकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स, मैंने आपको बताया पहले। देयरफॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू, जो इसके पीरियड्स बनेंगे वो आपके पास थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवेंथ ए एंड एट्थ, जिसको नोबेल गैसेस का ग्रुप भी आप बोलते हैं, जिसको आप जीरो भी कह देते हैं। द जीरो ग्रुप एलिमेंट्स हैविंग जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6 सॉरी फुलफिल्ड है, फुलफिल्ड होने की वजह से इनर्ट है, नोबेल है, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन रिएक्ट नहीं करता है, बिकॉज देयर ऑक्टेट्स आर कंप्लीट। द जीरो ग्रुप एलिमेंट्स हैविंग जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6 आर इनर्ट बिकॉज देयर ऑक्टेट्स आर कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक को अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू n-1d ऑर्बिटल, लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री n-1d ऑर्बिटल में होनी चाहिए। दूसरी बात, जो आपके पास डी सबशेल है उसमें आपके पास 5 ऑर्बिटल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। That's why इसके अंदर total 10 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं, ठीक है जी। The general electron configuration of these elements n-1d 1 to 10 ns0 to 2, और मैंने आपको पीछे भी बताया था कि ns0 हम क्यों लिख रहे हैं। और एक बात और कि जो d block की starting है, d block की जो starting है वो आपको फोर्थ पीरियड से दिखेगी, वो आपको फोर्थ पीरियड से दिखेगी, फोर्थ पीरियड से, और फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ नीचे तक चलता जाएगा, जिसमें आप स्कैंडियम से लेकर जिंक तक जो मैंने आपको बताया था वो चलेगा। द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन ग्रुप्स नेम्ड। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, फर्स्ट ए, सेकेंड ए जो आपके एल्कलाइन मेटल्स है एस ब्लॉक, उसके इमीडिएट बाद थर्ड बी शुरू हो जाएगा, और चलते चलते ये आपके पास एट्थ ग्रुप जो है उसके 3 टुकड़े होएंगे, 1, 2, 3, अभी पीरियोडिकल में आपको दिखा देता हूं। देन फाइनल एंडिंग फर्स्ट बी और सेकंड बी से होगी। और अगर मैं इसको नोमेनक्लेचर के रूल से चलाऊं जो आईपैक ने दिया था, ये थर्ड होएगा, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ यही आ जाएंगे। ये 11वां कोइनेस मेटल जिसके सिक्के बनते, 12th जिंक, कैडमियम और मरकरी वाला ग्रुप होगा, जिंक कैडमियम और मरकरी वाला ग्रुप होगा, ठीक जी। ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स आर द मेटल्स, कोई भी इसमें नॉन मेटल है, मेटलॉइड नहीं है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स लाइज बिटवीन एस एंड पी, ये एस और पी के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए हम पीछे जो पोर्शन वाइज क्लासिफिकेशन कर रहे थे ना, तो एस आपके पास एक्सट्रीम लेफ्ट था, पी 6 ग्रुप एक्सट्रीम राइट थे, डी मिडल था, और एफ जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं, ये वाला ग्रुप आपके पास कहां था, बॉटम ग्रुप था, बॉटम ग्रुप, ठीक है जी। ये लीजिए, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स मेरे को भी पता है और आपको भी पता है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आपके पास, क्योंकि एफ सबशेल की जो एफिशिएंसी है 14 इलेक्ट्रॉन्स की है, एफ ऑर्बिटल 7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 14 आ सकते हैं, ठीक है जी। द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन n-2 एफ ऑर्बिटल आर कॉल्ड द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, पहली बात, ठीक है जी। दूसरी बात, द डी ब्लॉक एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर फ्रॉम, वो मैंने पीछे भी बताया था, 58 से 71 तक,
प्रोटीन है जिनको लेंथेनॉइड्स बोलते हो आप लोग, और फिर 90 से लेकर 103 तक है जिनको आप एक्टिनाइड्स बोलते हो, जिनको आप एक्टिनाइड्स बोलते हो। एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 50 टू 71 आर कॉल्ड द लेंथेनाइड्स बिकॉज दे कम आफ्टर लेंथेनम 57, जो खुद डी ब्लॉक एलिमेंट है। लेंथेनम खुद डी ब्लॉक एलिमेंट है, क्लियर है। द एलिमेंट फ्रॉम 90 टू 103 आर कॉल्ड द एक्टिनाइड्स बिकॉज दे कम आफ्टर द एक्टिनम 89। ठीक हो गई बात। तो हमारे पास एक क्लासिफिकेशन हुआ, किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया हमने आप समझ गए होंगे। ये हमारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री कहाँ हो रही है उस बिहाब पे हमने इसको क्लासिफाई किया है। द लेंथेनाइड्स अकर इन नेचर इन लो अबंडेंस एंड देयर फोर दीज आर कॉल्ड द रेयर अर्थ एलिमेंट्स। लेंथेनाइड्स को आप रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी बोलते हो। ऑल द एक्टिनाइड्स एलिमेंट्स आर द रेडियो एक्टिव। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 90 से लेकर 103 तक ये भाई साहब सारे के सारे रेडियो एक्टिव हैं। ऑल द एलिमेंट्स आफ्टर एटॉमिक नंबर 92, U92 यूरेनियम के बाद ट्रांस यूरेनिक, ट्रांस मतलब बाद में, यूरेनियम मतलब यूरेनियम के बाद, और ये सारे के सारे मैनमेड है, सारे के सारे मैनमेड है। मैनमेड का दूसरा मतलब आप समझ गए होंगे, आर्टिफिशियल है, लेबोरेटरी में बनाए गए, कोई भी नेचुरली अकरिंग नहीं है। 93, 94, 95, 96, 98 जो भी है। कुछ की नोट है जो आपके क्वेश्चन पेपर में मिल सकते हैं आपको। इफ SNP ऑर्बिटल्स ऑफ आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड NS2 NP6 कॉल्ड द इनर्ट गैसेस। नोबेल गैसेस आप जानते ही हैं, इन्हीं को, हीलियम भी इनर्ट गैस है। मैंने आपको कहा था इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन मैच कर रहा है किसके साथ, विद एस ब्लॉक, लेकिन जो प्रॉपर्टीज मैच कर रही है वो मैच कर रही है, जो प्रॉपर्टीज मैच कर रही है वो मैच कर रही है किसके साथ, विद द नोबेल गैसेस। ठीक होगी बात। SNP ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड द नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ऑल्सो। ठीक है जी, SOP को नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव भी बोलते हैं। और जो आपके पास पार्शली फिल्ड डी एलिमेंट्स है, मतलब D10 नहीं चलेगा, एलिमेंट्स विच हैव द पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल, या फिर डी कभी भी डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन लूज हो सके वहां से, तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट, उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, उसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, उसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, उनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है जी, एलिमेंट्स विच है पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन न्यूट्रल स्टेट और एनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट आर कॉल्ड द ट्रांजिशन। तो इस समरी से हमें पता चलता है कि जिंक कैडमियम मरकरी, जिंक कैडमियम मरकरी, जिंक कैडमियम मरकरी डी ब्लॉक एलिमेंट तो है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं। जिंक कैडमियम मरकरी डी ब्लॉक एलिमेंट तो है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं। ठीक है जी, चलिए अब इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ये लिखा हुआ जिंक कैडमियम मरकरी, जिंक कैडमियम मरकरी ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्ट जिंक कैडमियम मरकरी आर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एब्लॉक एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन बोलते हैं। ठीक है जी, क्योंकि वो स्कैंडियम जो डी ब्लॉक एलिमेंट है और उसके बाद टाइटेनियम नीचे चले थोड़ा सा, तो स्कैंडियम के नीचे इट्रियम, इट्रियम के नीचे आपके पास लेंथेनम, और लेंथेनम 57 पे है, तो 57 के बाद जो 58 से 71 है, फिर 72 अगेन हाफेनियम डी ब्लॉक हो जाएगा, तो डीडी के बीच में, ट्रांजिशन के बीच में, तो उनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल दिया गया है। और एक खास बात, तो कभी कभी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एस ब्लॉक एलिमेंट कौन से ग्रुप के मेंबर, तो आप बोलोगे फर्स्ट है सेकेंड है। आपसे पूछा जाएगा कि जो पी ब्लॉक है, आप बोलोगे थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है, एट्थ ए। आपसे पूछा जाएगा डी ब्लॉक, आप बोलोगे थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, सिक्स्थ भी, सेवन्थ भी, एट्थ, वन टू थ्री एंड फर्स्ट भी, सेकंड भी। अब आपसे पूछा जाएगा जो एफ ब्लॉक है, टेंशन में आ गए, ये तो बॉटम पार्ट है, लेकिन ध्यान रखिएगा पूरा के पूरा एफ ब्लॉक, पूरा के पूरा एफ ब्लॉक जो है वो
ग्रुप थ्री से एसोसिएट कर दिया गया है, मतलब थर्ड बी से एसोसिएटेड कर दिया गया है। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल में जाना चाहें तो वहां जाकर आप इस चीज को समझ सकते हैं। ये देखिए पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने आपको समझाना है कि जहां ये लेंथेनम आएगा, यहां एक्टिनम आएगा, ये थर्ड अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी और थर्ड भी अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स है। वहीं से आगे सीरियम, ये प्रेसियोडाइमियम, क्लियर, ये सब एलिमेंट्स आ गए। कुल मिलाकर जो मेरे दिमाग में आपको बताने के लिए बात चल रही है वो क्या, एस ब्लॉक ये दो है, पी ब्लॉक ये छह है, डी ब्लॉक आपके पास ये बीच वाले 10 है, एफ ब्लॉक ये नीचे वाले आपके पास 14 है। ठीक होगी बात। चलिए तो इतनी बात अगर आपको समझ में आए तो अब मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलोइड्स की बात चलेगी। डिस्पाइट ऑफ क्लासिफाइंग एलिमेंट्स इनटू एसपीडी एफ ब्लॉक अनदर ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज द एलिमेंट्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू मेटल्स। अब देखिए पीरियोडिक टेबल का 80-90% जो पार्ट है वो मेटल्स का है। तो मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर मेटल अपीयर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो फिर वही पीरियोडिक टेबल के बारे में देखना पसंद करेंगे आप, तो ये देखिए, देखो इस पीरियोडिक टेबल का जो आपके पास लेफ्ट पोर्शन है, इस पीरियोडिक टेबल का लेफ्ट पोर्शन जो है ये वाला LHS, लेफ्ट पोर्शन जो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, सारा के सारा, डी ब्लॉक सारा के सारा, एफ ब्लॉक, ठीक है, और इवन मैं ये कहना चाहूंगा जो एफ ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक का भी ये गैलियम वाला पार्ट तो मेटलॉइड की कैटेगरी, इंडियम, ये मेटल्स आ गए। तो पूरा लेफ्ट पोर्शन जो है वो आपके पास मेटल्स से भरा पड़ा है, मेटल्स से भरा पड़ा है, ठीक है जी। तो जब आप क्लासिफिकेशन करने निकलते हो मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स का, मेजोरिटी ऑफ द एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल आर मेटल्स एंड अपीयर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब देखिए अगर मेटल्स की प्रॉपर्टीज की बात करूं, जैसा कि आप 10th क्लास में मेटल नॉन मेटल चैप्टर भी पढ़कर आए थे, तो उस बिहाफ पे अगर मैं मेटल नॉन मेटल और मेटलॉइड को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करूं तो आप समझते हैं इस बातों को कि दीज आर यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी को अगर हम छोड़ दें, गैलियम को भी, कुछ लोग 2021 का एक मेडिकल का नीट का पेपर बना, वहां से रूम टेम्परेचर की बात की तो गैलियम रूम टेम्परेचर पे सॉलिड ही है। ठीक है जी, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एक्सेप्शन आपके पास गैलियम, इसने बोल ही दिया 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसका हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है जी, सीजियम है वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, 303 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट था, 302 सीजियम का, तो 29 डिग्री हो गया ये मेल्टिंग है। दे आर गुड कंडक्टर, वो नहीं मेटल्स, इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहते हैं इसमें घूमने के लिए, और हीट भी इजीली कंडक्ट हो सकती है, साथ साथ में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है वो तो हो ही रही है। दे आर मेलिएबल, मेलिएबल का मतलब है कि आप इसकी शीट्स, थिन शीट्स बना सकते हो भाई हैमरिंग मेटल्स की, एंड डक्टाइल, इनके वायर्स खींचे जा सकते हैं। तो अगर सिंगली हम लोग 10 सेकंड उठाएं तो बोलेंगे क्या, सॉलिड, हाई एमपीबीपी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, एंड मेलिएबल एंड डक्टाइल, इतनी सी बात आपको बोलनी है जिससे आपकी इसकी समरी बन जाएगी। क्लियर, आपको सॉलिड्स बोलने, एक्सेप्शन तो सब जगह आ ही सकते हैं, हाई एमपीबीपी बोलने आपको, ठीक है जी, गुड कंडक्टर बोलने हैं तो दोनों के हो जाएंगे, हीट और इलेक्ट्रिक करंट दोनों के हो जाएंगे। क्लियर, इसके बाद आप बोल सकते हो कि ये मिलिएबल है और डक्टाइल है, मिलिएबल है और डक्टाइल है। चलिए अब नॉन मेटल्स की तरफ बढ़ते हैं। दीज आर प्लेस्ड एट द टॉप राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अभी पीरियोडिक टेबल मैंने आपको दिखाई थी, उसके अंदर जो नॉन मेटल्स है वो मेरे राइट हैंड साइड में है। अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हो तो एक बार फिर आ जाओ, क्योंकि जो विजिबल होएगा वो पता चलता जाएगा, जो दिखता चला जाएगा वो ज्यादा देर तक आपके दिमाग पर टिकेगा। तो आइए जानते हैं इस बात को कि थोड़ी सी कमी है आपके एलएन के मॉड्यूल में, कि उन्होंने इस पीरियोडिक टेबल को थोड़ा कलर्ड मोड में अगर छाप देते तो आपके लिए काम आसान हो जाता। लो जी, तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, हीलियम,
आर्गन क्रिप्टोन जिनोन रेडोन, क्लियर, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, सल्फर फॉस्फोरस, क्लियर। ये जो टॉप ये राइट है, ये जो टॉप राइट है, ये जो आपके पास टॉप राइट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे नंबर नॉन मेटल पर नंबर कम है, इन नॉन मेटल्स का नंबर बड़ा कम है, ठीक है जी। तो दीज आर प्लेस्ड एट द टॉप राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज वी मूव हॉरिजॉन्टली अलोंग अ पीरियड। जैसे जैसे आप पीरियड में आगे बढ़ते जाएंगे, हॉरिजॉन्टली अलोंग अ पीरियड, पीरियड में हॉरिजॉन्टली आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट चेंज फ्रॉम मेटेलिक मेटेलिक टू नॉन मेटल, आयोनाइजेशन एनर्जी वगैरह सब बढ़ रही है, ठीक है जी। ऑन द राइट हैंड साइड दे आर यूजली सॉलिड्स, जनरली सॉलिड ही होते हैं, बट ऐसा ऑलवेज नहीं है, ऐसा ऑलवेज नहीं है, ऐसा ऑलवेज नहीं है। तो दीज आर यूजली सॉलिड्स और गैसेज एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर दे हैव लो एमपीबीपी एज कंपेयर टू, अगर मैं कंपेयर करूं किसके साथ विद मेटल्स, लेकिन बोरोन कार्बन छोटे छोटे हैं, आपको पी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ा जाएगा, स्मॉल साइज्ड है, स्मॉल साइज्ड है। अब छोटे साइज के होने की वजह से इनके जो एमपीवीपी है वो बहुत हाई जा रहे हैं। डायमंड तो आपने सुना ही होगा, मोस्ट नॉन मेटलिक सॉलिड्स आर ब्रिटल एंड नीदर मेलिएबल नोर डक्टाइल, ना तो ये चादरें बन सकती है, शीट्स बन सकती है, और ना ही इनकी तारें खींची जा सकती है। किसी नॉन मेटल का आपने कोई तार खींचता हुआ देखा नहीं होगा, तो इसकी वायर्स खींच नहीं सकती है, तारे नहीं बन सकती है, ठीक है जी। तो अब हम बात आगे बढ़ाएं, बात आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास आएगा क्या, मेटलोइड्स, सेमी मेटल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ दीज। अब देखिए थोड़ा सा अगर पीरियोडिक टेबल में आप झांकेंगे ना, तो जो डिपार्टमेंट आपने छोड़ दिए, जो पार्ट आपने छोड़ दिए, उन्हीं पे अगर मैं आ जाऊं, एक लेडर उतारू नीचे की तरफ, तो परफेक्टली तुम्हारे दिमाग में ये बात आ जाएगी। ये देखिए, और ये जो येलो कलर में आपको दिख रहे हैं, बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, एस्टेटीन, ये सब कौन सी कैटेगरी पकड़ रहे हैं, दिसोल आर द मेटलोइड्स, दिसोल आर द मेटलोइड्स। तो वही बात हमने आपको समझाई है कि मेटलोइड्स सेमी मेटल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ दीस एलिमेंट्स शो द करेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम आर द मेटलोइड्स। तो आपने पता लगा लिया, एक लेडर उतारनी है नीचे की तरफ, उससे आपको पता चलेगा कि हम मेटल्स को नॉन मेटल्स से अलग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मेटलोइड्स, विद द हेल्प ऑफ मेटलोइड्स, ठीक है जी। अब प्रिडिक्टिंग एटॉमिक नंबर ऑफ सक्सेसिव मेंबर्स इन अ ग्रुप, अगर किसी का एटॉमिक नंबर, ही बड़ी हेल्प करेगा आपको कि कैसे किसी एलिमेंट का मुझे एटॉमिक नंबर प्रिडिक्ट करना है। तो चलिए जानते हैं इस बारे में, प्रिडिक्टिंग द एटॉमिक नंबर ऑफ सक्सेसिव मेंबर्स इन अ ग्रुप, किसी भी एलिमेंट का आपको अगर एटॉमिक नंबर कंफर्म करना हो, मैजिक नंबर्स मैंने ऑलरेडी आपको बताए थे कि मैजिक नंबर्स आपके पास 288, डबल 18, डबल 32, 288, डबल 18, डबल 32, 88, 18, 18, 32, 32, 288, डबल 18, डबल 32। अब बात आगे बढ़ी, मेरे को किसी ने एक फर्स्ट ए ग्रुप दे दिया, मुझे उसने कहा कि आपको हाइड्रोजन के नीचे वाले एलिमेंट का नाम बताना, तो हाइड्रोजन तो इतना इजी कि एक नंबर मुझे पता चली जाएगा, इसमें मैं तीन ऐड, दो ऐड करूंगा तो तीन इसका नंबर आ जाएगा, उसमें मैं 8 ऐड करूंगा तो 11 नंबर आ जाएगा, उसमें मैं फर्दर 8 ऐड करूंगा तो मेरे पास पोटेशियम का 19 नंबर आ जाएगा, उसके बाद फिर मैं 18 ऐड करूंगा तो मेरे पास 37 का रुबिडियम आ जाएगा, उसके बाद मैं फिर 18 ऐड करूंगा तो मेरे पास सीजियम आ जाएगा, और सीजियम का एटॉमिक नंबर मेरे पास 55 आ जाएगा, उसके बाद मैं 32 फिर ऐड करूंगा तो मेरे पास 87 नंबर का फ्रेंचियम, जो रेडियोएक्टिव आपको बताया था 21 मिनट्स ऑफ लाइफ टाइम, वो आ जाएगा, ठीक है जी। तो नोइंग द एटॉमिक नंबर्स ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप, वी कैन राइट द एटॉमिक नंबर ऑफ द सबसिक्वेंट एलिमेंट्स ऑफ द एडिंग गिवन द मैजिक नंबर्स। तो
2008-32 जैसे मैंने आपको बताया अप्लाई करके देखें, ये फर्स्ट ये है कि जी पहला मेंबर आपके पास जो भी है उसमें ऐड करते चले जाएं 2 8 8 18 18 32, ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं ये फिफ्थ फर्स्ट आपके पास पीरियड हुआ, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेवंथ पीरियड। तो एक सीक्वेंस में आप लिख कर रखें कहाँ क्या क्या ऐड करना है, बस वही हुआ ना 2 8 8 18 32। तो फर्स्ट पीरियड से जब आप एक से आगे आएंगे तो फर्स्ट पीरियड से आगे आने पर दो जुड़ोगे तो फिर आगे आठ जोड़ोगे और सेकंड थर्ड, और यही सीक्वेंस आगे आपके पास कंटिन्यू हो जाएगी। अब सोचो ना कि जो आपका डी ब्लॉक है वहां ऊपर के तीन पीरियड तो खाली पड़े हुए, लो जी एक बार इसको फिर विजिबल कर लेते हैं हम लोग। लो जी तो अगर मैं पीरियड्स की बात करूं, ये वाला पीरियड, ये वाला पीरियड, ये वाला पीरियड तो खाली पड़ा हुआ है। तो अगर किसी को मैग्नीज के नीचे पड़े हुए टेक्नीशियम का नंबर जानना है तो मैग्नीज को याद रखना जरूरी है, क्योंकि मैग्नीज का नंबर है 25, 25। तो 25 में आप कितना ऐड करोगे, 25 में आप 18 ऐड करोगे तो आपके पास आर्टिफिशियल एलिमेंट टेक्नीशियम आ जाएगा, आर्टिफिशियल एलिमेंट टेक्नीशियम आ जाएगा, आर्टिफिशियल एलिमेंट टेक्नीशियम आ जाने वाला है जी। तो आइए एक बार फिर बात करते हैं। तो ये सब आपके दिमाग में एंट्री कर गया होगा, 2 8 8 18 32 को ऐड करके कैसे आपने एक पूरे के पूरे ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर पता करना है, पता करना है, ठीक है जी। ये देखिए हाइड्रोजन जो मैंने पीछे सिखाया, एक में दो ऐड करो 3, लिथियम में 8 ऐड करो 11, ठीक है जी। उसमें फिर फर्दर हमने ऐड किया 2 8 8 18 18 सीजियम, और मैंने इसके आगे भी आपको बता दिया था पीछे वाले पेज पर, आप देख सकते हैं आप लोग सीजियम के बाद मैंने फ्रेंशियम आपको बताया हुआ है। ये पीरियोडिक टेबल आई है हमारी, खुश नसीबी है उससे पहले हम इनफाइनाइट टाइम इसको देख चुके हैं पीरियोडिक टेबल को, तो अच्छा है कि आप उसी को देखें जो आपको बार बार मैं दिखा रहा था। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड ब्लॉक एंड ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट, अगर मुझे किसी भी एलिमेंट का पीरियड कंफर्म करना हो, उसका ग्रुप कंफर्म करना हो, उसका मुझे पीरियड कंफर्म करना हो, ग्रुप कंफर्म करना हो, ब्लॉक कंफर्म करना हो तो कैसे करूं। अगर पीरियड नंबर कंफर्म करना है, दुनिया का सबसे आसान काम है, पीरियड नंबर ऑफ द एलिमेंट कैन बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये कहेंगे ये क्या है, इसके लिए थोड़ा स्ट्रक्चर ऑफ एटम और इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन पे नजर मारनी पड़ेगी। मान लीजिए Ar है 1s2 2s2p6, 3s2 3p6, ये जो 3 है ना बच्चा, ये वाला, ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n है वही मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो बिना टेंशन के आप इसका पीरियड बोल सकते हो कि इसका पीरियड 3 है। तो अब आप कहेंगे दिखा दो, बिल्कुल दिखा देते हैं जी ये लोग। तो ये आपके पास Ar एग्जैक्टली 1 2 3 थर्ड पीरियड में आकर एडजस्ट कर गया, तीसरे पीरियड में आकर एडजस्ट कर गया, ठीक है जी, ये आपको पता चल गया होगा। चलिए वापस वहीं पहुंचते हम लोग, ब्लॉक डिपेंडिंग ऑन द एंट्री ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन SpDf ऑर्बिटल द एलिमेंट इज सेट टू बिलोंग टू दैट ब्लॉक, ठीक है जी। अगर S में लास्ट एंट्री हो रही है, P में लास्ट एंट्री हो रही है, डी में लास्ट एंट्री हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग में उसका ब्लॉक फिक्स हो जाएगा। ग्रुप नंबर की बात कर लें, अगर एस ब्लॉक है तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मैं आपको लिखकर बता रहा हूं सोडियम, तो 1s2 2s2 p6 3s1, ये लो जी नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना है 1 है जी। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10 करना, जैसे कि मैं आपको फॉस्फोरस लिख के बता दूं 1s2 2s2 p6 3s2 3p3, इसके 5 में 10 ऐड कर देना डी ब्लॉक। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एनएस, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल बढ़ा के देता हूं। मान लीजिए मेरे पास आयरन पड़ा हुआ है, ठीक है जी, तो आयरन का कॉन्फिगरेशन आपको पता ही है, Ar लिखा 3d, 6 लिखा 4s2 लिखा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एनएस
साफ दिख रहा है। तो वैसे एस के पीछे डी देख लिया करो अगर है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट बन ही जा रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन माइनस पर डी, ये भी पढ़ा होगा। तो ये आठ इलेक्ट्रॉन है, आठ इलेक्ट्रॉन है, तो ये एट्थ ग्रुप का मेंबर हुआ, ये एट्थ ग्रुप का मेंबर हुआ, ठीक है जी। और एफ ब्लॉक है वो मैंने आपको बताया था, ऑलवेज थर्ड या थर्ड बी से ही एसोसिएटेड रहेगा, ठीक है जी। नाउ ये कुछ इलिस्ट्रेशंस है, Ar 4s2 3d10 4p6 5s1, पीरियड नंबर इसका पांचवा हो गया है, ब्लॉक नंबर लास्ट इलेक्ट्रॉन s में एंटर कर रहा है, प्रेडिक्शन अबाउट ग्रुप है तो कहीं ना कहीं आउटर मोस्ट शेल में एक ही है, तो इसका ग्रुप नंबर 1 है। इसको आप चेक करें तो p से पहले d दिख रहा है हम लोगों को, s भी दिख रहा है, 5s2 5p और 4d, तो मुझे इतना गारंटी हो गई है कि p ब्लॉक एलिमेंट ही है। देखो ना, अगर s अकेला सेम आउटर मोस्ट शेल में होता है ना, तो आपको उसके पहले डी मिला होता, जैसे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4d10 5s2 5p2, तो आपको बोधरी नहीं करना, इसको पी ब्लॉक एलिमेंट बोल के परे करो। पीरियोडिक नंबर, पीरियड नंबर इसका पांचवा हो गया क्योंकि मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है, ब्लॉक नंबर इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में एंटर कर रहा है। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ऐड करके 10 ऐड कर दो, तो ये 14th ग्रुप का मेंबर है जो हमारा IUPAC से डिटरमाइन हो रखा है। अच्छा जी, इसको लिखने के बाद तो थोड़ा सीक्वेंस में अरेंज कर दे, 5F 14 है, 6D 4 है, 7S2 है, देखो S से पहले D पड़ा हुआ है, इतना तो पक्का है कि 7 पीरियड है, ग्रुप इसका D क्योंकि S से जस्ट पहले D है, P नहीं है ना यहाँ पर, आउटर मोस्ट में P नहीं है, तो P ब्लॉक एलिमेंट तो हो नहीं सकता। अब आप इनके इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करें, 6 इलेक्ट्रॉन है तो छठा इसका ग्रुप हो जाएगा, ठीक है जी। अब थोड़ा सा नजरा मारें इसके नीचे, ये मैं अरेंज करता हूं 4F12 भी 4 है भरा नहीं है, 5D1 ये भी पार्शियल भरा हुआ ही, 6S2 है, तो 6 तो इसका आउटर मोस्ट शेल मतलब इसका पीरियड हो ही जा रहा है, और एफ ब्लॉक क्योंकि एफ अभी खाली पड़ा हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉन की एंट्री कॉन्टिन्यू, और जितने भी एफ ब्लॉक एलिमेंट है ऑल आर एसोसिएटेड विद द थर्ड बी ग्रुप, ठीक है जी। अब एलिमेंट्स ए बी सी डी एंड ई हैव द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, विच अमंग दीज विल बिलोंग टू सेम ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, एक बार चेक कर लेते हैं अगर आप मौका लेना चाहें, आपके पास अगर बुक है, ठीक है जी, तो देख लें एक बार, और अगर नहीं है तो ही मेरे साथ प्रैक्टिस कर ले। देखो जी, इसको देखकर साफ पता चल रहा है कि आउटर मोस्ट शेल ये है, और ये थर्ड ए या 13th का मेंबर है, आउटर मोस्ट ये वाला है, ये सम 3 हो रहा है, थर्ड ए का ये 13th का मेंबर है, ये लो जी, इसको देखकर पता चल रहा है ये मेरे पास पांचवें ए का ये 15वें का मेंबर है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, लास्ट पी में जा रहा है ना, इसको देखकर फिर मुझे पता चल रहा है हेलोजन फैमिली का मेंबर, ये 7th ए हुआ या 17th हुआ, इसको देखकर मुझे साफ पता चल रहा है कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट हुआ, तो उसने कहा जी आउट ऑफ दीज एलिमेंट ए एंड बी बिलोंग टू सेम ग्रुप मीन थर्ड थर्ड या 13 13 ऑफ द पीरियोडिक टेबल बिकॉज दे हैव सेम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन NS2NP1। अब एक क्वेश्चन और है हमारे पास, अगर इस सेकंड नंबर क्वेश्चन के बाद थर्ड पे चल रहे हैं आप लोग सीखने के लिए, तो थोड़ी प्रैक्टिस हो सकती है। अगर आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बाकी आपकी चॉइस है, क्योंकि मैं अपना काम कर रहा हूं, आप अपना काम करें। एन एलिमेंट जेड एक्स विद जेड इज इक्वल टू 1 1, एक पिछले वीडियो में 24.5 मिनट्स में मैंने हीलियम वर्ड की जगह बेरिलियम बोल दिया, वो एक करेक्शन था, आप चेक कर लीजिएगा। हाँ जी, एन एलिमेंट एक्स विद जेड इज इक्वल टू 112 हैज बीन रिसेंटली डिस्कवर्ड। अब इसमें से अगर -32 कर दो तो ये भाई साहब आपको मिलेंगे, यहां से 112 में से 32 सबट्रैक्ट हुए, उसके बाद ये 80 नंबर पे आ गए, 80 आपको पता है मरकरी का नंबर है, ठीक है जी, मरकरी का नंबर है, बट इज इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट, और इससे ऊपर जाना है तो कैडमियम 48 पे, इससे ऊपर जाना है
तो इसमें से भी 18 सबट्रैक्ट करके आपका जिंक है 30 नंबर पे। तो विच ग्रुप एंड पीरियड विल इट बिलोंग, द इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट, ये लिखा उन्होंने, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको अपने तरीके से किया है। इट बिलोंग्स टू डी ब्लॉक एज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सब शेल, एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब शेल वैलेंस शेल इक्वल टू 12, 10+2, सो इट बिलोंग टू 12th ग्रुप। क्लियर ना, वो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन से बोला इन्होंने इट बिलोंग टू। वैसे इसको और थोड़ा आसान कर सकते थे अगर आपको ये बात समझ नहीं है। जिस जिंक है उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन आपके पास N-1d10NH2 है, तो यहां मैं N की वैल्यू ये 3d 4s 5 4d 5s 5d 6s, तो 5d 6s देखते ही मेरे दिमाग में इसका जो पीरियड जाएगा वो छटा जाएगा, ठीक है जी। और इसके बाद क्योंकि एक बात समझनी है, जिंक एकेडमी मरकरी, ये जो एलिमेंट है मरकरी के नीचे वाला, वो 6d 7s जाएगा, सेवेंथ पीरियड का मेंबर होगा ये। इट बिलोंग्स टू सेवेंथ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल एज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस शेल इज 7। तो आप ऊपर वाले तरीके से भी कर सकते हैं जो एलन ने अपने सॉल्यूशन में दिया है, आप मेरे वाले तरीके को भी अप्लाई कर सकते हैं। अब है जी नोमेनक्लेचर, तो फिर इसके बाद क्या होगा, हमारे पास एक पूरा हिस्ट्री और ग्रुपिंग की क्लासिफिकेशन, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड, एक पूरा बढ़िया सा आपके पास पैकेज खत्म हो जाएगा। फिर हम पीरियोडिसिटी की तरफ बढ़ेंगे, वो हम वीडियो नंबर थर्ड में डालते हैं। तब तक मैं एलिमेंट्स की नेमिंग की तरफ बढ़ता हूँ, वीडियो नंबर थर्ड बस इसके इमीडिएट बाद आपको मिलेगा। थोड़ा मेहनत करते रहे टारगेट करके, क्योंकि फिजिकल, फिर आपके पास ऑर्गेनिक, तो वर्ड टू वर्ड सारी समझाऊंगा मैं आपको। बस कंटिन्यू रहे, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहे। नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स, अब 100 के बाद पता क्या हुआ, लड़ाई शुरू हो गई। आफ्टर 100, 104 पे तो खतरनाक लड़ाई थी रशिया और अमेरिका की। रशियन इनको बोल रहे थे कुश्चोवियम KU दे दियो, और अमेरिकन बोल रहे थे आप इसको रदरफोर्डियम, तो वैसे फाइनली आजकल इसका नाम रदरफोर्डियम ही है। तो IUPAC ने कहा भी ये लड़ाई वगैरह मत करो, तुम लोग जीरो को निल बोल दो, ठीक है जी, वन को अन बोल दो, टू को बाई बोल दो, थ्री को ट्राई बोल दो, फोर को QUAD क्वाड बोल दो, फाइव को पेंट बोल दो, सिक्स को हेक्स बोल दो, सेवन को सेप्ट बोल दो, एट को ऑक्ट बोल दो, नाइन को इन बोल दो, और एक सफिक्स ऐड कर दीजिएगा IUM, ठीक है जी, IUM। तो चेक कर ले, 101 का जो नेम आएगा, 101 का जो नेम आएगा वो अननिल अनियम होएगा, अननिल अनियम, अननिल अनियम, अननिल बाइयम, अननिल ट्राइयम, अननिल क्वाडियम, अननिल पेंटियम, अननिल हेक्सियम, अननिल सेप्टियम, अननिल ओक्टियम, अननिल इनियम, अननिल देन निलियम। और अगर 126 नंबर है तो अन बाई हेक्सियम, सिंबल UBH, ठीक है जी। अब तो आपको पता है, इसके साथ साथ में एपेक सिंबल भी मिल गया, एपेक ऑफिशियल नेम और एपेक सिंबल मिल गए। लो जी, मेंडलीवियम 101 के लिए, ठीक है जी। उसके बाद नोबेलियम, नोबेल प्राइज वाला, लोरेंशियम, रदरफोर्डियम, मैंने आपको बोला था इसकी लड़ाई हुई थी, जिसके बाद इन लोगों ने नए एफर्ट्स करने शुरू किए थे, 104, देन डबनियम है, देन सीबोर्जियम है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में भाई साहब का बड़ा रोल है, बोरियम है आपका, बोर थ्री वाला, हैसियम है, क्लियर, एंड देन मेटरनियम है, और उसके बाद आपके पास डर्मस्टेडियम है। कुल मिलाकर 101 से लेकर 110 तक ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपके पास है। तो इसके बाद का काम है पीरियोडिसिटी का, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा वीडियो थर्ड के लिए। तब तक के लिए विदा लेते हैं, कि 40 मिनट के आसपास का वीडियो है, स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं, रिवीजन की इनता मुझे बोलिएगा, नहीं तो इसी को आप बार बार रिवाइज करके देख सकते हैं। थैंक यू, सब्सक्राइब करें केमिस्ट्री वाली सर।